In our country, we have multi-party system. It means our constitution gave us the right to form a political party. And these political parties are based on the thinking of different people. Okay? So, you can also observe that there are so many political parties in our country. You can also know the names of these political parties. Kaun kaun si hain? Congress hai, BJP hai, Aam Aadmi Party hai, aur Haryana Vikas Party hai, theek hai? AIADMK Party hai. To isi tarah se bahut sare, ek Jharkhand Mukti Morcha hai. So there are so many political parties in our country. Okay? And who forms the government? The party or the combination of parties that get the majority from the government. वो party जिसको ज़्यादा majority मिलती है parliament में, और अगर किसी एक को नहीं मिलती है तो कुछ और parties मिलकर जिन अपनी एक majority बना लेती हैं, and then they form the government. Okay? The elected leader of the party or a person whom the combination of party supports become the prime minister. Jo the party that win maximum seats in the parliament. Okay? And the leader of that party became the prime minister. And if there is no political party that wins the majority in parliament, so many other parties come and give the support to that party. ठीक है, बहुत सी parties इकट्ठी होती हैं, came together and give the support to that political party. और उन सब का जो leader होता है, the leader of these all these parties become the prime minister. वो किसी एक को अपना leader मान लेते हैं और वो leader उन पार्टीज का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. ओके, अ पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट फेल्स टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन परफॉर्म द रोल ऑफ ऑपोजिशन. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट. विच पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट? द पार्टी दैट गेट्स द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. ओके, वो पार्टी जो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीट्स जीत जाती है उस पार्टी को मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. और इसके साथ ही उनके ऑपोजिट में एक और पार्टी होती है जिसे ज़्यादा सीट्स नहीं मिली हैं, जो इलेक्शन में डिफीट हुई है, हार गई है. सो दैट पार्टी परफॉर्म्स द रोल ऑफ ऑपोजिशन. ठीक है, the party or combination of parties that fails to get majority of seats in the election perform the role of opposition. Clear? It keeps a check on the activities of the ruling party. And now what is the work of opposition? Government ka to work hota hai ki that party has to make laws for the welfare of people. लोगों की भलाई के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वो लॉज बनाए, रूल्स बनाए. ओके, तो ऑपोजिशन क्या वर्क करती है? इट कीप्स द चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड दे आर डूइंग वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और नॉट. क्लियर? सो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो हमेशा गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को चेक करती रहती है. ओके, नाउ देयर इज, डू यू नो, इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन अ सिंगल मेजॉरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, सम पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. इट इज नोन एज कोलिएशन गवर्नमेंट. इंडियन डेमोक्रेसी में ये प्रोविजन है कि इफ अ सिंगल पार्टी कुड नॉट गेट द मेजॉरिटी, एक सिंगल पार्टी को इतनी सीट्स नहीं मिली हैं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, तो
सम पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, अदर पॉलिटिकल पार्टीज कैन ऑल्सो सपोर्ट दैट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके साथ हैं वो उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोअलिएशन गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्शन जीतने के बाद बाकी पार्टीज मिलकर बनाती हैं उस गवर्नमेंट को कोअलिएशन गवर्नमेंट कहा जाता है. क्लियर? नाउ वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट इन आर कंट्री देयर वॉज कास्टिज्म एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द रिलीजन्स एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड कलर, प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, सो आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गिव द प्रोविजन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पर्सन्स हु वर एक्सप्लॉयटेड बिफोर द इंडिपेंडेंस. ओके, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत से ऐसे सेक्शंस थे जिनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा था. दोज वर सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो. इकोनॉमिकली मीन्स वो गरीब थे, दे डोंट हैव मनी, और सोशली बैकवर्ड कि उन्हें सोशली इक्वल स्टेटस नहीं मिला हुआ था. ओके, सो इन आर फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेक सम स्पेशल प्रोविजंस टू गिव देम इक्वलिटी सो दैट दे कैन एन्जॉय देयर लाइफ विद डिग्निटी. ओके, नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी टू ऑल द पर्सन्स. क्लियर? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइड करवाए. ओके, सो इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देयर वॉज अ राइट, वी हैव सिक्स फंडामेंटल राइट्स एंड इन दिस द वन राइट इज राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास, और उस राइट टू इक्वलिटी की क्या प्रोविजंस हैं लेट अस डिस्कस. फर्स्ट वन इज ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी सिटीजंस लॉ के सामने इक्वल हैं. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ इज. ठीक है, सो सभी सिटीजंस लॉ के आगे इक्वल है. मीन्स कि अगर कोई गलत करता है काम, कुछ मिसडीड करता है, तो उसे इक्वल पनिशमेंट मिलेगी. ओके, मीन्स अगर कोई पर्सन चोरी कर रहा है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो उसके लिए, हर पर्सन के लिए, चाहे वो रिच है या पुअर है, इलिटरेट है और लिटरेट है, किसी भी तरह का पर्सन है, उसे इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी. ओके, या फिर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो वो सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी. डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रोहिबिट, बैन किया है, मना किया है. किसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन? रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे प्रोहिबिट किया गया है. एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. हर पर्सन को अपनी लाइफ के हर एरिया में, हर स्फीयर में इक्वलिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिली है, सो दैट दे कैन रेज देयर स्टेटस. द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल. लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन करता है. अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है किसी के साथ, तो उसे अपने लिए वॉइस रेज करने का राइट है. ठीक है, टू गेट द जस्टिस. और लॉ जो है वो सबके साथ जस्टिस करता है. क्लियर? बट समटाइम्स वी कैन फील दैट एवरीवन कैन नॉट एन्जॉय दिस इक्वलिटी. आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस, दिस इक्वलिटी इज नॉट गिवन टू ऑल द पीपल ऑफ आर कंट्री.